इस वीडियो में मैं अपने राइडिंग गेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की एक्सप्लोरर V3 राइडिंग जैकेट। दूसरी चीज़ मेरे पास है वो है सोलेस की राइडिंग पैंट। तीसरी चीज़ की बात करूँ तो मेरे पास है एक्सोर का हंटर हेलमेट। चौथी चीज़ की बात करूँ तो मेरे पास दो राइडिंग ग्लव्स हैं, एक है राइनॉक्स के, एक है एक्सोर के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास बूट्स हैं लेकिन वो राइडिंग बूट्स नहीं है। जो भी हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेटिव डिटेल होगी वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, वो आपसे शेयर करेंगे मंचला बॉय। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका मंचला बॉय एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड इस खतरनाक गर्मी के घर पर बैठ कर ही मजे ले रहे होंगे। इस वीडियो में मैं राइडिंग जैकेट और हेलमेट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके जरूर देख लेना। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है क्या फीचर्स हैं इस हेलमेट के एंड इस जैकेट के। बस मैंने एक इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है मेरे हेलमेट में, यहाँ पे जो इंटरकॉम है वो लगा लिया है। तो कौन सा इंटरकॉम है उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो देख सकते हो। लेकिन मैंने उसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं डाला है, तो अगर आपको उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं श्योरली इस इंटरकॉम का भी एक वीडियो डाल दूंगा केवल आप लोगों की। पिछली बार तो राइडिंग गेट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, बट इस बार केवल और केवल मंचला बॉय देंगे। तो क्या बताने वाले हैं वो इस वीडियो में, वो बताने वाला है मेरे दोनों राइडिंग ग्लव्स, एक है राइनॉक्स ये एक्सोर, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, मैंने क्यों चूज़ करा, उसने क्यों चूज़ करके मुझे बताया, वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। बात करें राइडिंग पैंट, तो ये है मेरी राइडिंग पैंट बाय सोलेस, इसके क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है वो इस वीडियो में बताएंगे। एंड फाइनली जो मैंने बताया था आपको, बूट्स, नॉट अ राइडिंग बूट्स बट हाँ राइडिंग का काम हो जाता है एटलीस्ट फॉर शॉर्ट राइड। आपको सही सही बात बताऊँ ना, आए तो ओनली एन्जॉय राइडिंग। तो जो सारी चीज़ें खरीदनी है, शॉपिंग एंड ऑल, ये मंचला बॉय करता है, ये खरीदता है एंड मुझे दे देता है, ये ले पहन ले। सो आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई लाइफ एज अ मंचला लड़का। बस मंचला बॉय को बहुत मेहनत करनी पड़ती है केवल और केवल मेरे लिए। अच्छा भाई, अब तू बता भी नहीं सकता, एक तो मैं तेरे लिए बेस्ट एंड अफोर्डेबल चीज़ें ला कर देता हूँ। चल कोई बात नहीं, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ तो चल ये ले राइडिंग पैंट, और बता दे हमने क्यों ली थी, फिर मैं इसका नेगेटिव बता दूंगा जो मुझे फील होता है रियल लाइफ, ये ले। अच्छा चलो राइडिंग पैंट ही शुरू कर देता हूँ। तो ये है हमारी सोलेस की राइडिंग पैंट, इसका मॉडल है कूल प्रो V3 मैश पैंट। एंड इस वीडियो में मैं आपको सारी राइडर से रिलेटेड डिटेल दूंगा, जो इसकी टेक्निकल डिटेल है यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो इसके वेंटिलेशन से, तो समर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप देखो तो ये पूरा वेंटिलेशन यहाँ है, यहाँ है, एंड आपको पीछे भी पूरा वेंटिलेशन मिलता है। प्लस इसमें आपको मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ देखो इस एंड पे, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कि आपको कभी ज़रूरत हो स्ट्रेच करने की और कुछ एक्टिविटी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए वो ईजी रहे। प्लस इसमें कुछ पैनल्स दिए गए हैं आपके नी साइड पे जो स्ट्रेचेबल है, एंड आपके बैक साइड पे वेस्ट साइड पे भी मटेरियल जो स्ट्रेच हो सकता है। प्लस यहाँ आप देखोगे तो आपको जैकेट से कनेक्ट करने के लिए ये जिप भी दिया गया है, साथ साथ आपकी फिटिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आप यहाँ देखो तो आप इसको स्ट्रेच करके फिट कर सकते हो अपनी बॉडी फिट के हिसाब से। यहाँ भी एक आपको स्ट्रैप दिया गया है, प्लस आपकी वेस्ट पे भी आपको स्ट्रैप दिया गया है कि आपको कभी आपकी वेस्ट के हिसाब से कुछ लूज़ या टाइट करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। प्लस इसमें आपको यहाँ इलास्टिक भी मिलता है। उसके साथ साथ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं फीचर, यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिलती है टोटल चार, तो आपको स्टोरेज का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, दो यहाँ एंड दो यहाँ। तो ओवरऑल ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो जो इसके अंदर आर्मर मिलते हैं वो आपको मिलते हैं Level 2 आर्मर, जो कि है सेस्टेक लेवल कंपनी, जो कि जर्मनी बेस्ड है। एंड सबसे खास बात इसके आर्मर की ही है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल। तो मैं आपको इसके जो आर्मर्स हैं वो निकाल के दिखा देता हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो आपको जब आप लॉन्ग राइड करते हो तो आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं होती। जो मेरे नॉक्स के प्रोटेक्टर हैं मेरी राइडिंग जैकेट में, वो थोड़े से हार्ड हैं, बट ओवरऑल इसके जो प्रोटेक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस इसके आपको यहाँ अंडर थाई पे जो ये पार्ट होता है घिसने के थोड़ा चांस होते हैं, तो यहाँ आपको लेदर दे दिया गया है, इससे आपकी ग्रिप जो आपकी बाइक पर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ओवरऑल अगर 10 में से मैं पॉइंट दूँ तो इसको जाएंगे 9 out of 10। एक दो पॉइंट मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि जो इसका नी का मटेरियल है हमको पता नहीं था कि इसका कलर फेड हो जाता है, लेकिन जब हमने दो तीन राइड करी
तो इसका नी का जो कलर है वो फेड हो गया। तो मंसूर हल्का से मैंने बहुत डाइट भी खाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें पता नहीं था। अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हो तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आपकी वीडियो को कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको राइडिंग पैंट्स के रिफ्लेक्टर का कमाल दिखाने वाला हूँ। आप देखोगे कितना सही रिफ्लेक्टर है, प्लस आपको कितने सारे रिफ्लेक्टर मिलते हैं। एक सोलेस देखते ही चमक गया आपको साइड की पॉकेट पे एंड फ्रंट पे। तो रात में जब आप चलते हो तो जो आप होते हो दूसरे ड्राइवर्स और राइडर्स को इजीली विजिबल होते हो, तो इसका मेरे को एक प्लस लगा, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है आप अगर नाइट राइड पसंद करते हो तो। देखो मंचला बॉय ने सारी टेक्निकल डिटेल दे दी, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक होता है ना, वो मैं बताता हूँ। वैसे कंफर्टेबल वाइज बताऊँ तो ये मैं इसको दूंगा 9 out of 10, बट समर में स्कोर हो जाता है 7 out of 10। वो क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक लेदर लगा हुआ है, तो जब भी हम लंबा स्ट्रेच खींचते हैं ना तो इरिटेशन होने लग जाती है, तो यहाँ रैशेज होने के चांसेस होते हैं आपके थाई एंड पे। तो समर में थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज काफ़ी सही मटेरियल है। अगर आप सोच रहे हो लेने की राइडिंग पैंट तो आप इसके लिए श्योरली जा सकते हो, जैसा मुझे मंचला बॉय ने बताया और मुझे फील भी हुआ। ये ले चल अब राइडिंग ग्लव्स और बता दे कौन कौन से हैं, कितने के पड़े और कहाँ से लिए और क्यों लिए। ले सारी डिटेल्स देनी है पूरी एकदम एंड टू एंड। चल अब ग्लव्स को ही रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जॉर के ग्लव्स से, इसको रखते हैं साइड में। तो जो एग्जॉर के ग्लव हैं ये हैं हमारे एग्जॉर स्ट्रीम, जो कि 1500 के रेंज में वन ऑफ दी बेस्ट ग्लव्स हैं, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग की गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी। आप देखो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी मिल जाते हैं, प्लस इसमें अगर आप देखो तो आपकी ग्रिप के लिए आपको यहाँ सिलिकन की फिनिशिंग दी गई है, प्लस यहाँ आपके नकल प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं। इसके अंदर फोम है जिससे आपका अगर इम्पैक्ट हो तो आपके हाथ पे पूरा इम्पैक्ट ना आए, जो ये नकल प्रोटेक्टर है ये ही पूरा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर ले। उसके अलावा एग्जॉर की ब्रांडिंग दो जगह की गई है, एक यहाँ सामने एंड जो वेलक्रो स्ट्रैप होता है आपका जब आप पहन के इसको एडजस्ट करते हो तो उसमें भी एग्जॉर की ब्रांडिंग की गई है। तो ओवरऑल इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट इन दिस रेंज। अब बात करते हैं हमारे राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 3 ग्लव्स की। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट ग्लव है, जो मुझे देखते ही पसंद आ गए थे। हमारे ऑरेंज हेलमेट से मैच कर गया था तो मैंने बोला चाहिए तो यही। इसमें और कलर भी आते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, तो मैंने मंचला को बोला नहीं ऑरेंज लेंगे। प्लस इसमें आपकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा गया है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो ग्लव है यही सी सर्टिफाइड है, नॉट कि इसके प्रोटेक्टर तो है ही सी सर्टिफाइड, जो उसका नकल प्रोटेक्टर है वो सी सर्टिफाइड है, और जो नॉक्स प्रोटेक्टर है यहाँ पे स्केफाइड बोन वाले, ये दोनों के दोनों सी सर्टिफाइड है। प्लस अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका जो स्लाइड होता है ना उसके इम्पैक्ट के लिए यहाँ पे स्लाइडर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे नहीं कि हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है। तो जो आपका कम्फर्ट है उसका भी ध्यान रखा गया है विद प्रोटेक्शन, प्लस आपको फिंगर टिप और फिंगर जॉइंट दोनों पे प्रोटेक्शन मिलेंगे, एंड आपकी वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया था, आपको गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे। इसके साथ साथ जो ये स्ट्रैप है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसके साथ आपको यहाँ इलास्टिक भी मिलता है ताकि आपके हाथ में जाए तो परफेक्टली फिट हो जाए। सो ओवरऑल ये भी 10 में से 9 नंबर, एंड इसकी प्राइसिंग है थोड़ी हायर साइड है, वो है 3,250। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ग्लव चाहिए एंड आपकी प्रोटेक्शन भी पूरी हो तो आप इस ग्लव के लिए जा सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। ऐसे ही मंचल लड़के नहीं करा, मेरी बात मान के। हाँ दो इसलिए ले रखे हैं, एक सिटी राइड के लिए और एक लॉन्ग राइड के लिए, जो लॉन्ग राइड हो नहीं रही है। सैड मत हो यार, और कुछ है रिव्यू करने के लिए तो दे दे, वो भी बता दूंगा। अगर अभी तक हमारी जनता रुकी हुई है देख रही है तो पूरी इन्फो देंगे। फाइनली ये बूट्स हैं, राइडिंग बूट्स नहीं, इसको भी कर दे रिव्यू। तो राइडिंग बूट्स क्यों नहीं है ये तो बता दे। राइडिंग बूट्स तो तब लूंगा ना जब लॉन्ग राइड पर जाऊँगा, अभी कहीं जा ही नहीं रहा हूँ तो क्यों लूँ, फालतू इन्वेस्ट क्यों करूँ। जब जाऊँगा तो पक्का राइडिंग बूट्स लेके जाऊँगा, अभी तो इससे काम हो ही जाएगा, तो यार इसी को कर दे रिव्यू अभी के लिए। हाँ सही में मैं अपनी रिसर्च ऑन कर देता हूँ, फिर तेरे को एक बढ़िया से अफोर्डेबल राइडिंग बूट्स ला कर दूंगा। अगर आप में से किसी को पता है कोई अफोर्डेबल एंड बढ़िया राइडिंग बूट्स तो नीचे कमेंट करके बता दो, बुला कर दे देंगे, वरना हमारी रिसर्च तो चालू रहेगी। इसके बारे में तो बता दे अभी एटलीस्ट, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ तो ये हमारे एक सिंपल से लिबर्टी के बूट्स हैं, जिसमें आपको आपके टो और एंकल दोनों की प्रोटेक्शन मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इसके साथ साथ आप इसको 7-8-10 घंटे आराम से पहन सकते हो शॉर्ट राइड के लिए, लॉन्ग राइड पर भी जा सकते हो अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम राइड पर नहीं जा रहे हो इसको पहनकर। तो ये हमको पड़े थे अराउंड 1700-1800, तो अगर आपका बजट टाइट है अभी तो आप ये ले सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, एंड जब आपका बजट ठीक हो तो आप राइडिंग बूट्स ले सकते हो। अगर आपको कोई और ऑप्शन पता है इसके अलावा तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे को पता है लिबर्टी में एक दो इसके ऊपर रेंज के आते हैं और एक दो और कंपनीज इसमें थोड़े सस्ते भी आ जाते हैं, जिसमें आपको 1000-1200 तक मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा है लुटाने को। हमारा बजट तो पता नहीं कब होगा, लेकिन 7-8
घंटे की राइडिंग इस पे आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो समझ में आ रहा है, जब हमारा बजट होगा हम ले लेंगे। सपने मत देख, और कुछ है रिव्यू करने को तो वो दे दे, वो भी कर दूंगा। ले भाई, मुझे ही कर दे रिव्यू अब, और कुछ काम धंधा तो है नहीं। चल अब जा, हो गया तेरा काम खत्म। ये तो मेरे से ऐसे ही बात करता है। अगर आपको इन्फो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, जरूर से सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ये बात जरूर सुन लो इसकी एंड सब्सक्राइब कर दो जरूर से एंड जरूर से। जब तक मैं आपको ये राइडिंग गेट्स पहन के दिखाता हूँ, वो एंजॉय करो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना इन द मीन टाइम। आपको इस वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दो, एक कर दो बढ़िया सा कमेंट, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो आएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई सवाल है तो नीचे पूछ सकते हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।